हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबके क्या हाल चाल? मजे में ना? बढ़िया, मस्त, वेरी गुड। फ्रेंड्स, जब भी मैं किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ तो उसमें मैं ऐसी लाइन नहीं बोलती हूँ, तब बाकी जो व्यूवर्स मुझे यही लाइन रिपीट करते हैं कि और अभिलाषा सब मजे में ना, सब मस्त, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हंसी भी आती है। मतलब हम लोगों की आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि अब कभी मिले भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के जो कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है मैं इन्हें कितना बरसों से जानती हूँ। आप लोग तो मुझे रोज देखते हैं और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ करके ही, जैसे होता है ना, किसी की बातों से आप एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, बस वही चीज है। कल मैंने आप सभी के साथ आटे का हलवा और वो पापड़ चिप्स वाले नाश्ते का ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर किया था, उसे आप सभी ने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आज एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है, अनु कुमार, उन्होंने बोला था कि भरवा करेले की रेसिपी बताओ, तो आज मैंने बनाए हैं भरवा करेले। बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और हेल्दी तो है ही, तो आज मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर करूंगी। और हस्बैंड का टिफिन, यानी कि आज का जो रूटीन है वो हस्बैंड का टिफिन वाला रूटीन है, तो आइए देखते हैं कि उसे कैसे उस टाइम से पूरा वो टास्क पूरा करना होता है। और हमने शुभी के लिए अमेजन से एक बैग, स्कूल बैग ऑर्डर किया है, तो जब हमारा ये लंच रूटीन पूरा हो जाएगा तो मैं बाद में आपको ये बैग दिखाऊंगी और हम लोग साथ में खोल करके देखेंगे। कल शाम में आया था, मैंने इसको छुपा के रख दिया था कि आज जब इसकी अनपैक करेंगे ना, इसको खोलेंगे, उसके बाद जब शुभी आज स्कूल से आएगी फिर उसको दिखाएंगे। डेली की तरह बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों को आज टिफिन में आलू के पराठे दिए थे, जो आलू मैंने रात में बॉईल करके रखे थे, सुबह बस पराठा बनाया बच्चों को दिया। और ये दाल हमने धो के रखी थी 10 मिनट पहले, और उसके बाद अब इसमें हमने पानी डाला है, आधा चम्मच के करीब हल्दी डाला है और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। और आज ये दाल पहले प्लेन बनेगी, सिर्फ हल्दी और नमक डाल करके। तो सबसे पहले मैंने दाल लगा दी है, दाल को पकने के लिए रख देंगे, इसीलिए पहले ही दाल को धो के रखी थी। दाल इससे जल्दी पक जाती है और ये अरहर की दाल है, तुअर दाल। अब हमने करेले फ्रिज से निकाले हैं, करेले को पानी से दो बार अच्छे से धो लिया है। अब बाद में हम करेले नहीं धुलेंगे, सारे करेले का ऊपर और नीचे का बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा ऐसे नाइफ से कट करके निकाल लेते हैं और उसके बाद नाइफ से इसे इस तरीके से खरोंचते हैं। जब खरोंचते हैं तो ऊपर का जितना ये रफ वाला जो हिस्सा होता है ना, वो पूरा बहुत ही आसानी से निकल जाता है। एकदम ताज़े करेले हैं, हाथों में भी करेले का पानी आ रहा है। इस तरीके से एक बार पहले घिसेंगे, थोड़ा निकलता है, थोड़ा रह जाता है, फिर एक बार अच्छे से उसको चिकना करके निकाल देते हैं पूरा साफ। बीच में से नाइफ से कट का निशान लगाते हैं करेले में, इस तरीके से अंगूठा डाल करके उसको फैला देते हैं तो पूरा खुल जाता है। और अब उंगली डाल करके जो अंदर बीज होते हैं वो सारे निकाल देंगे। मतलब ये देखिए, इस तरीके का बिल्कुल करेला अंदर खाली और बाहर एकदम चिकना, सारे करेले हमें ठीक इसी तरीके से करके रखने हैं। करेले का छिलका हमने दूसरी प्लेट में निकाला है साफ एकदम, और बीजे भी साइड में रखे हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसे डस्टबिन में नहीं डालेंगे। तो हमने साफ प्लेट में निकाल के रख लिया और सारे बीजे भी इसी तरीके से अंगूठे से निकाल करके, ये देखिए सारे करेले तैयार हो गए हैं। अब इस बीजे में से जो मोटे मोटे हार्ड बीजे हैं वो आप हाथों से निकाल लें, बाकी जितना भी है बीजे या गूदा सब रहने देंगे, जो एकदम सॉफ्ट वाले हैं, और छिलका भी रहने देंगे। अब ये जो करेले हैं इनमें हम नमक लगाएंगे। कुकर की सीटी लगी तो हमने आँच धीमी कर दी और हर करेले को बाहर से ऐसे उंगली से नमक लगाएंगे चुटकी चुटकी भर, और अंदर भी अंगूठा डाल देंगे हल्का सा नमक लगा हुआ, ताकि अंदरूनी भी पानी में नमक चला जाए। तो सारे करेले हमने इस तरीके से नमक की कोटिंग करके अच्छे से रगड़ दिया है
और इसे प्लेट में ऐसे ही रहने देंगे। जो लंबे करेले हैं उसे बीच में से कट कर दिया है क्योंकि बहुत लंबा है। अब जो ये इसका छिलका है इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है नमक को हाथों से, तो पूरे इस छिलके में भी नमक लगा है। अब सबको साइड में रख देंगे। अब इसके मसाले की तैयारी करने के लिए हमने प्याज लिया है, तो ये छोटी छोटी सी 4-5 गांठ प्याज है, तो हम सबका छिलका उतार करके इनको ऐसे रफली चॉप कर लेंगे। पानी से धो लिया है सारी की सारी प्याज को हमने जब छिलका उतारा, और धुलने के बाद काट लिया। अब ये इस मिनी चॉपर में हम इसको एकदम फाइन चॉप करेंगे। प्याज हमने ज़्यादा ली है क्योंकि थोड़ी सी प्याज हमें दाल में भी इस्तेमाल करनी है। मिनी चॉपर बहुत फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि उनको नहीं मिला है, ये हमने फ्लिपकार्ट से लिया था मिनी चॉपर, और इसी दिवाली लिया है जो दिवाली अभी बीत गई। ये देखिए कितना फाइन चॉप हो गया है, एकदम अच्छे से महीन प्याज हो गई है, क्योंकि कितना भी हम लोग काटें इतना बारीक नहीं कटता ना, फिर वो प्याज प्याज देखो करेले से बाहर आती है, लेकिन ये बहुत अच्छा है और इससे पूरा बारीक हो गया, हमने साइड में रख। अब जो ये करेले हैं इनको हाथों से ऐसे निचोड़ दिया, ये देखिए जितना छिलका है इसको ऐसे अंगूठे में पकड़ के मुट्ठी में ऐसे दबा दिया, तो पूरा ये एकदम ड्राई हो गया जो छिलका है, और सारा का सारा जूस बाहर आ गया। कुछ लोग इसे पानी से भी धो के छानते हैं, वो तो मुझे लगता है सारा का सारा उसका तत्व निकल जाएगा करेले का। करेले को भी मैं पानी से नहीं धोती बाद में, नमक लगाने के बाद भी, बस हाथों से इस तरीके से निचोड़ते हैं ना, एकदम सूख जाता है, निचोड़ जाता है सारा पानी। अच्छे से दबाएंगे ना पकड़ के मुट्ठी में, तो जो नमक लगाया हमने उससे जो पानी निकलता है करेले का जूस पूरा निकल गया। अब अगर इसको पानी से भी कुछ लोग धो लेते हैं, लेकिन हम नहीं धुलते और बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं बनते हैं। बस ऐसे निचोड़ लिया है, जितना निकलना है निकल गया, जो है वो रहने देंगे, तभी तो करेले खा रहे हैं। मतलब इतना अगर बिना करेले का अपना एक स्वाद होता है, एक खुशबू होती है, वो भी ना मिले तो क्या। तो ये पानी फेंक देंगे क्योंकि उसमें नमक मिला है, अगर नमक नहीं मिला होता तो उसे करेले के जूस की तरह इस्तेमाल कर सकते थे ना, लेकिन इसमें बहुत सारा नमक है। अब हम मसाला बनाएंगे भरवे करेले के लिए। तो हमने तवे पर 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा सबको डाल करके भून लेना है। जैसे ही तवे पर भूनते हैं, जीरा मेथी और सौंफ, इसकी जो खुशबू आती है, देखिए कलर चेंज हो गया, गैस बंद कर देंगे। गरम तवे में ये देखिए एक चुटकी से थोड़ी ज़्यादा हींग डालेंगे, और हींग भी इन सब के साथ अच्छे से भुन जाएगी और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इसे अब हम डाल देंगे मिक्सर के जार में। अभी ये गर्म है इसलिए अभी पीसेंगे नहीं, बस साइड में रखा रहने देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तब उसे पीसेंगे। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल गरम किया, उसमें 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक कद्दूकस किया हुआ पेस्ट डाला। अब हम प्याज डाल देंगे, तो हमें ज़्यादा डाल देनी है, बस थोड़ी सी 2 चम्मच बचाइए दाल के लिए। तो जितनी प्याज हमने अभी ग्रेट की थी ना, वो पूरा प्याज डाल देंगे, और प्याज और अदरक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हींग हमने नहीं डाली है क्योंकि हमने मसाले में डाली है, वरना उसमें भी डाल सकते थे। अब ये मसाला ठंडा हो गया, इसे देखिए हमने पाउडर बना लिया है, बहुत अच्छी खुशबू है। मतलब इस मसाले से जान आ जाती है करेले में। अब प्याज को फिर से अच्छे से भून लेंगे। प्याज को बहुत लाल नहीं करना है, बस सौते करना है उसको, उसका इतना महीन है कि भून जाता है। अब 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और अब हम डालेंगे 1 चम्मच अपना ये करेले का मसाला। भरवा करेले में ये मसाला बहुत ज़रूरी है। सौंफ, मेथी, जीरा और हींग सारी चीज़ें मिली हुई हैं इसमें, तो हमने ये मसाला डाल दिया है। सबको डाल करके फिर अच्छे से अब इसमें जो हमने करेले का छिलका निचोड़ के रखा था वो भी डाल दिया है। इसे भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज और मसालों के साथ में ये करेले का छिलका भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक करेले में लगा हुआ है ना, इसलिए हमने थोड़ा नमक डाला है। इस छिलके में भी नमक था, करेले में भी नमक लगाया था हमने, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने पानी से नहीं धुला था तो थोड़ा सा नमक स्वाद होगा उसमें। मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच अमचूर पाउडर मिलाया है।
अमचूर पाउडर से खट्टापन आएगा और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। अगर आपके पास घर में जिस वक्त ये बना रहे हैं और अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू निचोड़ सकते हैं या फिर कच्ची कैरी कद्दूकस करके भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। कोई भी खट्टी चीज़ डालनी है, चाहे नींबू, चाहे अमचूर पाउडर, चाहे कच्ची कैरी, बस ज़्यादा मसाला नहीं भूनेंगे और अब गैस बंद करके उसे ठंडा होने देंगे। अब दाल का कुकर खोल के देखें, दाल देखिए कितनी अच्छी से तैयार हो गई है दो विसिल में। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब घी डाला है और घी गरम होते ही हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 चुटकी इसमें हींग डालेंगे। हींग और जीरे की तड़के की खुशबू दाल का स्वाद बढ़ा देती है और जो थोड़ी सी प्याज हमने बचाई थी कटी हुई वो डाल देंगे, 2 चम्मच के करीब प्याज है ये, और 2 हरी मिर्च भी डाल दिया है। हम बनाने वाले हैं दाल फ्राई, दाल तड़का भी कहते हैं, दाल फ्राई भी कहते हैं, और प्याज को बहुत लाल नहीं करेंगे, गुलाबी सा हुआ कि अब हमने 1 टमाटर काट के डाल, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक जिससे टमाटर जल्दी गल जाएं। दाल में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, सिर्फ थोड़े से नमक से अब ढक करके इसको पकने देंगे, टमाटर जल्दी से अच्छे से मैश हो जाए। खोल कर देखेंगे, चम्मच से ऐसे मिक्स किया और ये देखिए टमाटर गल रहे हैं। टमाटर जब दबने लगता है यानी कि मैश हो रहा है, अब हम दाल डाल देंगे। दाल में पानी हमने थोड़ा ज़्यादा इसलिए डाला था कि बाद में दाल में पानी ना डालना पड़े, बाद में पानी डालने से दाल का स्वाद उतर जाता है। अगर दाल बनाते वक्त आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालें यदि आपको दाल तड़का या दाल फ्राई बनानी है, और जैसे ही दाल खौलने लगी है तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। ये दाल बाद में और गाढ़ी हो जाती है इसलिए इसको मीडियम ही रखना चाहिए। हरा धनिया से टेस्ट और खुशबू रंग बिल्कुल लाजवाब हो जाता है। और ढक्कन से ढक देंगे, इसको साइड में रख देंगे। अब मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया, इतनी इसमें भी 1 चम्मच हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा बचा लिया था हमने, और मिक्स कर दिया। हरा धनिया तो हर सब्ज़ी में अच्छा लगता है ना। और बस अब हर करेले को उठाएंगे और बीच में से ऐसे हाथों से डाल करके अंगूठे से दबाते जाएंगे, खूब अच्छे से बिल्कुल पैक कर देंगे। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उतना मसाला डालें, क्योंकि जितना भी मसाला बना है ये इन्हीं 6-7 जो करेले हैं इनके लिए ही है, और पूरा अच्छे से दबा करके पैक कर देंगे। ये देखिए, आप चाहो तो सारे करेले भरने के बाद धागे से बांध सकते हैं जिससे मसाला बाहर नहीं आए। मम्मी बांधती हैं हमारी, हमने नहीं बांधा है। और कढ़ाई पूरी एकदम सारा मसाला हटा लिया है तो एकदम ड्राई हो गई है। बिना धुले ही मैंने कढ़ाई को फिर वैसे रख दिया है गैस में और तेल डाल दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। जैसे तेल गर्म हो, गर्म होना ज़रूरी है, फिर सारे करेले ऐसे धीरे धीरे करके आराम से रख देंगे, तेल में ऐसे फैल जाए, खिसका दो उसको पूरा, सब में हल्का सा तेल नीचे से लगा रहे। आँच को अभी तेज़ है लेकिन ढकेंगे और आँच को मीडियम कर देंगे और धीमी आँच में वो पकते रहेंगे। उसका ध्यान ज़रूर रखें, बीच में उसको भूलना नहीं है। अब हमने आटा निकाला है थाली में, थोड़ा सा नमक डाला है और हमें आटा, आज बहुत दिनों बाद मुझे लोग रोटी बनाते हुए देखेंगे, कुछ दिनों से रोटी नहीं आई है ना वीडियो में। किसी ने लिखा मुझे, हाँ वी के ने लिखा कि हमें तो तब मज़ा आता है भलाशा जब तुम रोटी बनाती हो, मतलब ब्रेकफास्ट में अगर मैंने रोटी नहीं बनाई तो मज़ा तो आया लेकिन रोटी मिस किया। और कभी जब मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ तो कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा लेकिन आज तुम्हारी हंसी मिस करी। अब उसमें क्या हंसूँ, तो जो बात रहती है टिप्स वाली बस बोलना रहता है, और टिप्स वाले व्यूवर्स अलग रहते हैं थोड़े बाहर वाले, वो बात समझ भी नहीं पाएंगे कि क्यों ये हंस रही है और क्या ये कह रही है, इसलिए थोड़े वो अलग तरीके के रहते हैं वीडियोज़। और आटा तैयार हो गया है तो सबको पलट देंगे, क्योंकि जिस साइड से तेल में डूबे हुए थे उससे डार्क हो जाते हैं, फिर उनको ऐसे पलटते हैं ना तो फिर वो जिस साइड नहीं हुआ है फ्राई उस साइड फ्राई हो जाएगा। तो संभाल के 2 चम्मच से ऐसे पलट करके ढक दिया है फिर से।
फिर खोल कर देखते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से फ्राई, बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं बाहर सफ़र में आप जा रहे हैं ये सब्ज़ी ले जाते हैं ना, करेले ख़राब नहीं होते हैं। और ये बहुत तामझाम वाली सब्ज़ी, टाइम लगता है मतलब, इसलिए मैं अक्सर शाम में बनाती हूँ, सुबह नहीं बनाती हूँ। टिफ़िन के टाइम पे कितनी जल्दी होती है, अभी 2 बार पहुँच चुके हैं, बन गया क्या खाना, बन गया क्या खाना, मतलब उनको देर हो रही होती है और इन सब कामों में टाइम लगता है, और वीडियो बनाने में तो और भी ज़्यादा। ये देखिए कितने अच्छे से कलर फ्राई हो गए हैं, और अब इनको हम प्लेट में निकाल देंगे। हमने गैस बंद कर दी है, सारे भरवा करेले तैयार हो गए हैं। ये भरवा करेले बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज स्किप कर सकते हैं, लहसुन तो मैंने नहीं डाला है, अगर आप खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। हर चीज़ में मैं लहसुन नहीं डालती हूँ तो मैंने नहीं डाला है। अब हमने आटा शुरू किया है रोटी बनाना। बहुत दिनों बाद आज वीडियो में रोटी ना। एक व्यूवर ने कल पूछा है कि कितना गर्म होना चाहिए तवा रोटी का, मतलब देखिए अभी मैं रोटियां बॉल्स बना रही हूँ तो आँच तेज़ है ना, हाँ, और जब बेलना शुरू करेंगे तब आँच धीमी रखेंगे, क्योंकि पहली रोटी जब डाल रहे होते हैं तब तवे का आँच बराबर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई बार पहली रोटी फूलती नहीं है, देखा होगा आपने, क्योंकि आँच या तो कम रह जाती है या बहुत ज़्यादा होती है तो वो तुरंत सी लाल हो जाती है। आप आसपास रहते हैं ना तो समझ में आ जाता है, मतलब यदि आपने शुरू में तेज़ रखी है तो बाद में आप धीमी कर लो, अगर धीमी ही थी पहले से तो आपने जैसे ही रोटी डाला है आँच तेज़ कर लो। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए, जैसे डाला तो उसमें जो चित्ती पड़ती है ना, मतलब ऐसे छोटा छोटा सा उठता है ना, बस वैसे ही होना चाहिए, और बस पलट देते हैं तो रोटी फूल जाती है। ये पहली रोटी है मेरी, तो पहली से भी फूलने शुरू हो जाती है, लेकिन वही आँच की ही है बात है। बस जैसे ही दूसरी रोटी आप तवे पर डालते हैं तो फिर उसको पलट देते हैं। कुछ व्यूवर्स तो इतना ध्यान से वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अभी कल मुझे बताया केतन करके जो हैं मेरी रेगुलर व्यूवर, उन्होंने बोला अभिलाषा आप रोटी बनाने के बाद तवे पे जो कढ़ाई या बर्तन रख देते हैं ना, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि अभिलाषा अब हम भी तवे पे कुछ भी खाना रख देते हैं। एक दिन दाल ठंडी थी और हमने रखा और दाल बाद में गर्म हो गई, गैस बंद थी फिर भी, हाँ क्योंकि तवा इतना गर्म रहता है, इतनी देर तक रोटी बनाते हैं हम लोग तो कोई भी सब्जी या दाल रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और बस अब सबसे पहले हस्बैंड की थाली परोस रही हूँ मैं, इसलिए अभी मैंने थोड़ी सी रोटियाँ बनाई हैं कि उनका टिफ़िन पैक कर दूँ, उनकी थाली परोस दें ताकि उनका अपना काम होता रहे, उसके बाद फिर मैं बाकी की रोटियाँ बनाऊँगी। तो मैंने गैस बंद कर दी है और उनकी थाली लग गई है, भरवा करेले, दाल फ्राई और चपाती। उनकी न्यूज़ लग जाती है तो उसके बाद से मुझे लगने लगता है कि थाली पहुंचानी, आज न्यूज़ पहले शुरू हो गई थी और थाली बाद में आई, आज मैं लेट हो गई। इन सब कामों में टाइम लग जाता है, एक तो वीडियो में भी बहुत टाइम लग जाता है, वैसे बनाना हो ना खाना तो इतना टाइम नहीं लगता। और अब उनका टिफ़िन भी पैक कर दिया, टिफ़िन पैक करके टेबल पर रख दूँ, फिर मैं बाकी के काम करती रहूँगी आराम से। सुबह हस्बैंड का जो टिफ़िन रहता है या बच्चों के स्कूल का टिफ़िन सबसे बड़ा टास्क होता है। जैसे हम लोगों को एग्ज़ाम के समय बताया गया था ना कि कम समय में पूरा पेपर करना है, तो कहा जाता था जो काम जो तुमको ज़्यादा आता हो, पहले आता हो, उसको जल्दी जल्दी करना। तो वही चीज़ है, जो काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं वो काम हम लोग पहले पहले करते रहें, अगर कुछ जिन कामों में बारीकियां हैं टाइम ज़्यादा लगेगा उसको बाद में करते रहो, पहले फटाफट करो। वैसे ही लगता है मुझे ये टिफ़िन पैक करने वाला काम तो बिल्कुल। तो बस फाइनली टिफ़िन पैक हो चुका है और अभी उनका खाना पूरा नहीं हुआ है और ये बैग पहुंच गया टेबल पर। और जब टिफ़िन पैक हो गया है तो अब मैंने लगे हाथ कढ़ाई खाली कर दी है, कढ़ाई धुलने में डाल दूँगी मैं। और ये छोटी सी हांडी में दाल पलट ली है, राइस हस्बैंड नहीं खाते हैं ना ही टिफ़िन में लेकर जाते हैं, इसलिए मैं इस टाइम राइस नहीं बनाती हूँ। अगर मुझे राइस बनाना होता है तो वो मैं 12 बजे के बाद ही बनाऊंगी, ताकि बच्चे स्कूल से आते हैं तब वो गरम खाएंगे, तभी बनाती हूँ मैं। तो अब वो निकल चुके हैं और अब मैंने रोटियाँ बनानी शुरू करी हैं, जो बाकी का आटा बच गया था अब पहले सिर्फ थोड़ी सी बनाई थी उनका टिफ़िन और उनके खाने के हिसाब से। और बस ये देखिए सारी की सारी रोटियाँ, और जैसे ही थोड़े देर हो गया तो ये रोटियाँ ज़्यादा अच्छी बन रही हैं, वो उस समय तुरंत तुरंत आटा गूँथा था ना तो रोटियाँ उतनी अच्छी से नहीं बन रही थी, और अब बिल्कुल ऐसे फूलती जा रही हैं और आटे में भी सफ़ेदी चिकनापन नरम हो जाता है। आटा हमेशा कुछ मिनट पहले आप
कूद के रख दो तो रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। और चूंकि वो सुबह में जल्दी जल्दी रहती है, इसलिए वो उसी समय ही करना पड़ता है। सारी रोटियां बनने के बाद आटे को मैं एक डब्बे में भर के रखती हूँ, सूखे डब्बे, अलग से छोटा सा डब्बा। यहीं जो सामने कांच का शेल्फ होता है, वहीं घी और ये डब्बा रहता है, और ये सारी रोटियां तैयार हो गई। अब सबको झटक दिया है और घी लगा करके सारी की सारी रोटियां हमेशा की तरह ही मैं झटक के घी लगाती हूँ, ताकि बर्तन हल्का फुल्का लगा भी रहे ना तो पूरा निकल जाए। और बस फिर उसके बाद सब रोटियों में अलट पलट के घी और कैसरोल दोनों ही टाइम धुलते हैं हम, तो कैसरोल एकदम सूखा और साफ़ है, बस उसमें नैपकिन लगा देते हैं कपड़े वाली। सारी रोटियां रख करके ढक दिया है, तो अब करेले की सब्जी और दाल रोटी सब रखी है। और गरम तवा मैं उस वक्त निकालती नहीं हूँ, तो उसमें मैंने वो हांडी रख दी है पलट करके इसीलिए, और पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है। काउंटर टॉप जैसा हमेशा साफ़ करती हूँ वैसे ही साफ़ किया है, गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से। और उसके बाद अब ये हाथों हाथ यहाँ की जो क्लीनिंग करती हूँ मैं, किचन वाली, बर्तनों का ढेर सुबह से शुरू था, बस ये सारे के सारे बर्तन ही धो डाले हैं। दाल बनी है, करेले की सब्जी, दाल फ्राई हुई है, और जितना मिक्सर, प्लेट, कटोरी, कढ़ाई, बस अब वो छोटी सी हांडी रहेगी, जब बच्चे आएंगे तब खाएंगे। और प्लेट में मैंने करेले निकाले थे और रोटी कैसरोल में रखी है। बहुत सारे व्यूवर्स का ऐसा कहना है कि जब वो लोग मुझे काम करते हुए देखते हैं तो उन्हें मेरा काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सब लोग बहुत ध्यान से देखते हैं ना। तो तवा मैंने सबसे आखिरी में उठाया है, जब सारे बर्तन धुल गए हैं, तो अब तवा और लोहे की कढ़ाई भी घिस के साफ़ कर दी है, सारा का सारा पानी निकाल दिया है। और हाँ, आज सब ने बहुत सारे टिप्स दिए हैं, मैंने ऑयली स्किन के लिए जो फेस वॉश पूछा था, मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे नाम सजेस्ट किया है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सारे फ्रेंड्स ने मुझे, मतलब जो सब ने बताया है कि क्या लगाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। और मतलब मैंने सोचा ही नहीं था ना कि आप लोगों से पहले ही पूछ लेना चाहिए था, लेने से पहले ही। और अब ये शुभि का बैग खोला है, ये देखिए शुभि का बैग, अमेरिकन टूरिस्ट का बैग है ये, और इसका जो प्राइस लिखा है 2600 है, लेकिन हमें मिला है 910 रुपीज़ में। 910 में ये तीन जिप है इसमें, बड़ा सा बैग है अमेरिकन टूरिस्ट, और यही इसका कार्ड लगा हुआ है, 2600 लिखी हुई प्राइस ऑफ हुआ है। अच्छा कलर अच्छा लग रहा है, रेड है, पहले शुभि का पर्पल कलर था और अब ये रेड हो गया है। तो कैसा लगा सबको शुभि का बैग ज़रूर बताइएगा मुझे। बस आज का अपना ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू।